अब देश के सीमा पर आप जो है गांव के बच्चे, बस्ती के बच्चे को बोल रहे हो कि बंदूक उठाओ, चीन के साथ लड़ाई करो, लेकिन चार साल बाद जो आपको हटा देंगे। हमारा इतना ही कहना है कि अगर आपको सेना का उम्र कम करना है तो पहले ऑफिसर से शुरू कीजिए। और मोदी जी अपने जो कुर्सी छोड़ी है ना, चार साल बाद आप क्यों नहीं कुर्सी छोड़ते हैं? हम तो सांसद रह चुके हैं, हमारे भी पेंशन बंद कीजिए। हम तो कहते हैं कि हम जैसे व्यक्ति का एकदम सबका बंद कीजिए। बच्चे लोग को अगर आप पेंशन दे, अगर हमारे पेंशन काटने से आईएएस आईपीएस सबका पेंशन कम बंद कीजिए। हमारा इतना ही कहना है कि आईएएस आईपीएस विधायक सांसद सबके लिए सब सुविधा, आर्मी के ऑफिसर के लिए, और गांव और बस्ती के बच्चे के लिए चार साल, 21 साल में जो है बेरोजगार। इस तरह की जो है बेवकूफ़ी योजना जो है, क्योंकि ये लोग भगवा झंडा अपने आप को जो ढोंगी राष्ट्रवाद है, भगवा झंडा लपेट करके देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम आपके माध्यम से देश के जनता को यही अनुरोध करेंगे, मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, देश को टूटने के कगार पर ले जा रहा है, किसान के ऊपर हमला हो रहा है, जवान नौ युवक के ऊपर, और मोदी और आरएसएस और बीजेपी जितना देशद्रोही वाला संस्थान कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको गंभीरता से बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए इनका खेल। पहले हमला किया था अल्पसंख्यक के ऊपर, फिर किया व्यापारी के ऊपर नोटबंदी करके, फिर किया हमला जो है नौ युवक, ये आपके जीएसटी करके जो है छोटे छोटे व्यापारी को खत्म किया सिर्फ अदानी को बढ़ाने के लिए। आप देख लीजिए किसान के ऊपर हमला किया, अब नौजवान पर। और आप बताइएगा कि चीन के साथ कोई लड़का टिस्को से आप चार साल के अनुबंध पर जो भेज दोगे लड़ेगा क्या? आप बोल रहे हो कि अपना जान त्याग दो, लेकिन तेरा बेटा, तेरा वैल्यू जो है ना पेंशन के लिए नहीं है। दूसरा, इन लोगों को झूठ बोलने का कोई सीमा नहीं है। बोल रहे कि 21 साल में 11 लाख रुपए, उसमें से 8 लाख तो उन्हीं बच्चे का टंका काट के दे रहे हो। कितने बड़े फ्रॉड हैं, 11 लाख रुपए में से 8 लाख जो है हर साल का वो इंटरेस्ट, सरकार को इंटरेस्ट है उससे जोड़ करके बच्चे का टंका से काट करके 30%, और बोल रहे कि हम कल्याण कर रहे हैं। यार कितने बड़े फ्रॉड है प्रधानमंत्री, कितने बड़े फ्रॉड है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, कि टीवी में एक तनिक से भी लोक लाज नहीं है। यार बेशरम है, आप आते हो बोलते 11 लाख दे रहे हो, आपका बाप का 11 लाख है क्या? नौजवान का जो है तंका से काट करके दे रहे हो, कल टाटा स्टील बोलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को प्रोविडेंट फंड हम दे रहे हैं, तंका उन्हीं से काट के दे रहे हो, उसी का पैसा है, और बड़े बड़े भाषण दे रहे हो। लास्ट में चीन घुसी हुई है, और देश के जो है देश को बचाने के लिए आप नौजवान। इस वीडियो में इस शख्स ने हिंदुस्तान के जवानों के हित की बात की है, और ये कहा है हुकूमत को चाहिए कि वो जवानों के कामों में रुकावट ना लाए और उन्हें उनका पेंशन, उन्हें उनकी नौकरी जल्द से जल्द दिला दे, क्योंकि वो अगर हुकूमत चाहती है ख़र्चों को कम करना तो वो एमपी के जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन मिलती है उस पर रोक लगाने की भी बात इन्होंने की है। और मज़ीद तफसलात बताई है इस वीडियो में, देखिएगा पूरा वीडियो एंड तक एक बार ज़रूर। नौकरी करके पेंशन नहीं दे सकते हैं कि भारत माता के लिए जो भारत माता